अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हैं एसएन इलेक्ट्रिकल आपका चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं एक इलेक्ट्रिकल टू प्लेट का जो चौक होता है उसको घर बैठे बैठे आप 5-10 मिनट में कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आपके आसपास में जो भी इलेक्ट्रिकल शॉप होती है वहां पर आपको एक आसानी से इलेक्ट्रिकल चौक मिल जाएगा, आपको 150 रुपीज के अंदर ही मिल जाएगा, चाहे वो क्रॉम्पटन का हो या हैवेल्स का हो, विप्रो का हो। दोस्तों उसको कैसे चेंज करते हैं सिर्फ आप 5-10 मिनट में तो हम बताते हैं। चलिए दोस्तों बिना देर करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये चैनल पर जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो चौक हुआ, मैं ये चौक निकाल लिया हूँ, इसको इस तरह से निकालना चाहिए आपको। ये जो वायर दिख रहा है आपको आधा आधा मीटर तक यहाँ से कट करना है और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है यहाँ से कट करना है आपको, कट करके चौक निकाल लेना है। उसके बाद आप पहले तो ये देख लेना चाहिए कि कहीं होल्डर में से वायर तो नहीं निकला है, साइड में से दबा के देखे तो मालूम पड़ जाएगा वायर सही है या टाइट नहीं है। देख सकते हैं मेरा वायर सही है, आपको आधा आधा मीटर वायर रखना पड़ता है इस तरह से। इसके बाद चौक जो है सेम साइज का आपको नहीं मिलता है, मिल गया तो अच्छी बात है, मेरा मतलब है कि स्क्रू सही से फिट नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे को इतने स्क्रू है पर स्क्रू लग जाएगा मगर वायर कहां से जाएगा, वायर के लिए होल नहीं है अंदर जाने के लिए। इसीलिए तो मैं क्या करूंगा, पहले वायर को डाल लूंगा, आप देख लीजिए इस साइड का वायर डालने के बाद ये व्हाइट वाला ये साइड में डाल देंगे। इसके बाद हम इसको स्क्रू से नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको स्क्रू से लगाने का चांस ही नहीं है यहां से। इलेक्ट्रिकल जो टेप होता है इससे लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है, इसीलिए इस पे ये आसानी से टिक जाएगा। एक दो तीन बार राउंड फिरा के लगा दीजिए, एकदम हल्का रहता है इसलिए। उसके बाद आप ये वायर जरा बड़ा आता है, मैं इसके हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से ये कट कर लिया, तो सही से अच्छा सा टाइट फिरा के वायर को थोड़ा सा राउंड फिराए। उसके बाद आप कौन सा भी इसमें ज्वाइन कर ले सकते हैं। ये दो वायर ज्वाइन करने के बाद इसको अच्छे से टेप लगा लें, अगर टेप सही नहीं लगाएंगे तो आप पट्टी के ऊपर शॉर्ट आएगा आपको या तो ट्यूब खराब होने का चांस होते रहते हैं, इसलिए टेप सही लगाएं कहीं वायर टच ना हो। उसके अंदर ढकल देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा एक वायर यहाँ का जुड़ गया है। इसके बाद हम जो ये व्हाइट कलर का वायर है यहाँ भी जोड़ लेंगे, तो इसलिए फिराना है कि हमें कहीं ढीला ना रहे, अच्छा राउंड से फिराए, वायर तो नहीं टूटता है अंदर। इसको भी सेम तरह से इसको मोड़ ले, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज शेयर भी करिए। इस तरह से टेप लगाने के बाद वायर को फोल्ड करने के बाद अच्छे से टेप लगा दे उसको भी। मैं आपको बताने के लिए सिर्फ थोड़ा लगा रहा हूं, आप सही से अच्छा से टेप लगा लें। अभी आप देख सकते हैं हमारे ये वायर भी जुड़ गया है। देख सकते हैं अब सिर्फ 5 मिनट में हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट का चौक किस तरह से फिट हो गया है। आप भी अपने घर बैठे बैठे ये ट्यूब 5-10 मिनट में चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसको ट्यूबलाइट लगा के देखेंगे कि ट्यूबलाइट आएगा या नहीं आएगा। और दोस्तों आप कोई भी कंपनी का ट्यूबलाइट लगा ले सकते हैं 36 वाट का। बहुत से लोग परेशान होते हैं जैसा कि बजाज कंपनी का पट्टी ले लेते हैं फिर सोचते हैं कि विप्रो का नहीं लगेगा, हैवेल्स का नहीं लगेगा, क्रॉम्पटन का नहीं लगेगा। 36 वाट का ट्यूबलाइट एक ही साइज का होता है, लगाने पर लग जाता है, तो सही से लगा के दो हाथ से फोल्ड करना पड़ता है। तो हम फोल्ड कर लिए, अभी इसको हम 220 वोल्ट में लगाएंगे।
बुकलेट को सही से अच्छा लगाना पड़ता है। ये दीवार पे रहेगा तो अच्छा फोल्ड करने आता है, मेरे को एक हाथ से फोल्ड करने नहीं आ रहा। अभी हम इसको फोल्ड कर लिए, करंट में लगा के देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट ऑन हो गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है।